मेरे चैनल पे जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा कैसे हैं आप सब और मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और भाई ये है साढ़े छह बजे का टाइम वो भी सुबह का नहीं शाम का और बाकी आप लोगों को तो पता ही है आज है संडे तो आज ऐसा कोई मैंने पहाड़ नहीं तोड़ा है आज मतलब कोई ढंग की एक्टिविटी हुई नहीं है ना मैं सुबह जल्दी उठी हूँ भाई संडे है संडे मनाया है मैंने बिल्कुल और इसलिए वॉक नहीं हुई है एक्सरसाइज नहीं हुई है ऐसे ही सारा दिन मतलब आराम किया है सिर्फ और सिर्फ आराम पर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा नाइट रूटीन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि शाम को साढ़े छः बजे से लेकर के अब देखो साढ़े आठ साढ़े नौ बजे तक मेरा क्या रूटीन रहता है तो चलते हैं सबसे पहले किचन में क्योंकि साढ़े छः बज गए हैं और मुझे जल्दी ही खाना बना रही हूँ ताकि मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ तो आज डिनर में बन रहा है ये एग करी तो अंडे उबल रहे हैं और यहाँ मैं मसाले को तैयार कर रही हूँ टमाटर वगैरह और जितने भी मसाले डलने थे ना वो सारे इसमें मैंने डाल के पीस के रख लिया और यहाँ ये यह बन रही है इस बार मैं ना बहुत ही टाइम के बाद ये एग करी बना रही हूँ मतलब घर में आए ही नहीं थे अंडे काफ़ी समय से और मैं बता दूँ आपको मैं अंडे खाती हूँ इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं लेकिन अंडा तक मैं खा लेती हूँ फिर भाई और इस समय मुझे पता नहीं कि वो भूख सी लग रही थी तो ऐसी टाइम पास के लिए फिर मैंने ये बिस्किट खा लिया उसके बाद ये मौसी ने मेरे को ये नींबू का चार दिया था तो फिर मैंने ये खा लिया ये इतना अच्छा है ना खट्टा मीठा मतलब इसके लिए तो मैं रोटी पराठा कुछ मतलब ज़रूरत नहीं है ये तो मैं ऐसे ही बैठे बैठे ऐसे ही खा लेती हूँ मुँह का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और हाजमे के लिए भी बहुत ही अच्छा है फिर हमारी एग करी तैयार हो गई थी और फिर आठ बजे के करीब फिर मैंने रोटी सेकना शुरू कर दिया जब मैं सब्जी बना रही थी मैंने तभी फिर थोड़े से चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं एग करी के साथ चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं तो अब मैं लगा लेती हूँ अपनी प्लेट आपको दिखाती हूँ तो यहाँ मैंने ले लिया है थोड़ा एग करी इसके साथ ले लिया है थोड़ा सलाद जिसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक और डाला है थोड़ा भुना जीरा अच्छा लगता है काफ़ी जी भुना जीरा वगैरह डाल के नींबू खैर नहीं था नींबू होता तो और भी मज़ा आ जाता तो देखिए कल सब्जी वाला आएगा तो लूँगी नींबू फिर एक रोटी ले ली और ले लिए मैंने थोड़े से चावल तो ये सज गई है हमारी प्लेट फिर डिनर के बाद करीब दस मिनट के बाद फिर मैं ऊपर चली गई हम दोनों ही गए थे ऊपर मौसम अच्छा था हवा चल रही थी और खाना खा के थोड़ा सा टहलना भी ज़रूरी होता है तो वही ज़्यादा नहीं दस पंद्रह मिनट मुश्किल से फिर हम लोग ऊपर रहे यहाँ पे थोड़ी देर हम लोगों ने ऐसे ही वॉक वगैरह करी और यहीं टहलते समय अगर किसी से फ़ोन पे बात करनी है तो मैं वो भी यहाँ कर लेती हूँ तो ऊपर अच्छा टाइम पास भी हो जाता है वॉक भी हो जाती है और बात भी हो जाती है बस फिर थोड़ी देर घूम घाम करके फिर हम लोग आ गए नीचे अब टाइम हो गया है थोड़ा स्किन केयर का सुबह तो फ़ेस पैक वगैरह लगा करके वैसे कर लेती हूँ और शाम को मैं कोई स्क्रबर वगैरह ले लेती हूँ इस समय ये मेरे पास मिक्स का है वैसे ये मेरा कोई पर्टिकुलर नहीं रहता मुझे तो जब कोई जो भी अच्छा लग जाता है वो मैं ले लेती हूँ अभी इन दिनों ये फेस स्क्रबर चल रहा है नहीं तो वैसे सिंपल फेस वॉश से भी मैं कर लेती हूँ तो थोड़ा थोड़ा मैंने पूरे फेस पर लगा लिया है थोड़ा सा पानी ले लिया है हाथ में तो बस इसकी मैं हल्की सी थोड़ी देर मसाज करूँगी फिर अपने चेहरे को धो लूँगी चेहरा इससे भी अच्छे से साफ हो जाता है इसके बाद दूसरा ज़रूरी काम है ब्रश करने का भाई जितनी देखभाल हमें इस चेहरे की करनी पड़ती है उतनी ही देखभाल दांतों की भी करनी चाहिए अक्सर लोग रात वाला ब्रश है स्किप कर देते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है तो मैं ज़रूर करती हूँ तो देखिए अब इसके बाद फिर लगाना है मेरे को ये सिरम तो मेरे पास है ना ये है गुड वाइब्स का रोज़ हिप करके तो ये फेस सिरम है ये मैं लगा रही हूँ कोई सा भी आप फेस सिरम या कोई आ, जैसे कि वो ट्री ट्री ऑयल टाइप का कुछ भी लगा सकते हैं या फिर कुछ नहीं तो एलोवेरा जेल लगा लो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है मैं तो रात में मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा स्किन केयर नहीं है बस फेस वॉश कर लो या फिर फ़ेस स्क्रब कर लो फिर उसके बाद कोई भी सिरम या मॉइस्चराइज़र कुछ भी लगा लो बस सुबह उठो तो फिर काफ़ी चेहरा सही सा दिखता है तो इसको मैंने ये अच्छी तरीके से लगा लिया है एक एक बूंद चारों तरफ लगाई और उसको फिर रब कर लिया है तो ये मेरा स्किन केयर रूटीन हो गया है कंप्लीट इसके बाद बारी आ जाती है बालों की अगर अगले दिन वॉश करना है तो देखो इसी समय फिर मैं थोड़ा ऑयलिंग कर लेती हूँ लेकिन अभी ऐसा वॉश नहीं करना है अभी हाल में ही करके चुकी हूँ तो बस इनको सुलझा के मैं हल्का बालों को बांध लूँगी नहीं तो मेरा क्या है ना सुबह एक बार बाल बनते हैं जब नहाकर आ जाती हूँ फिर दिन भर बालों में मतलब कंघी जाती नहीं है वो एज इट इज़ रहते हैं और कई बार जैसे इवनिंग वॉक पे भी जाना होता है ना तो मैं बालों को मतलब ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगाती हूँ घड़ी देख के तुरंत निकल जाती हूँ हूँ बाल वाल भी नहीं बनाती हूँ लेकिन हाँ रात में बाल ज़रूर सुलझा के फिर मैं सोती हूँ बस इसके बाद मेरा काम होता है जो दिन भर आज मैंने शूट कराया उसकी वीडियो को एडिट करना और सुबह आठ बजे के लिए शेड्यूल कर देना लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि ये जो मैंने अभी अपना फेस केयर रूटीन वगैरह कराना इससे पहले मैं अपनी वीडियो में जो लास्ट मुझे स्टेटमेंट देना रहता है या जो भी मेरे को बोलना होता है मैं वो बोलती हूँ और उसके बाद फिर ये वाला रूटीन मैं फॉलो कर लेती हूँ ब्रश कर लिया और अपना स्किन केयर वो फॉलो कर लिया लेकिन आज आपको दिखाना था तो मैंने पहले ये कर लिया है क्योंकि फिर ऐसा होता है ना शूट में आना रहता है तो फिर थोड़ा सा मेकअप लगा रहा है तो ठीक रहता है अभी एकदम फेस हो गया है क्लीन <laughs> तो बस अब मैं इस वीडियो का एडिट करूंगी और इसे शेड्यूल कर दूंगी और बस फिर और कुछ नहीं थोड़ा सा बहुत दस पंद्रह मिनट और ऐसी मोबाइल ऐसी देख लूंगी और फिर रख देती हूँ मैं क्योंकि फिर जल्दी ही कल उठना है कल है मंडे सवा पाँच बजे उठना होगा तो वही है दस साढ़े दस तक मैं फिर लेट जाती हूँ तो ये रहा हमारा आज का ब्लॉग आशा करते हैं आपको थोड़ा ठीक लगा होगा चलिए फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग